हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू शुभा एंड द आर्ट चैनल पर। आज हम एक कस्टमाइज स्केच आर्ट जो कि मुझे इंस्टाग्राम पर ऑर्डर मिला था, इसी का स्केच बनाने जा रहे हैं। अगर आप भी अपना खुद का कस्टमाइज स्केच आर्ट ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप शुभा एंड द आर्टिस्ट इंस्टाग्राम आई डी पर DM कीजिए और बाकी की डिटेल्स आपको DM करने के बाद मिल जाएगी। अगर आपके प्राइस रिलेटेड डाउट्स है या फिर स्केच रिलेटेड डाउट्स है, आपके सारे डाउट्स वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट। अगर आप अपना खुद का कस्टमाइज कुछ भी चाहते हैं, लाइक टी शर्ट चाहते हैं, बो चाहते हैं, या फिर स्क्रंची चाहते हैं, या फिर पोर्ट्रेट चाहते हैं, किसी भगवान की फ़ोटो चाहते हैं, आपको सब कुछ मिलेगा। आप एक बार इंस्टाग्राम आईडी पर विज़िट कीजिए, आपको वहाँ पर बहुत सारे रेफरेंस मिलेंगे। और आप मेरी बाकी की वीडियोज़ भी ज़रूर देखिए और कमेंट कीजिए कि आपको कैसी लगी। यहाँ पर बच्चों के लिए कार्टून की वीडियो भी बनती है, हर किसी के अलग अलग वैरायटी आपको इस चैनल पर ज़रूर मिलेगी। और जो लोग सीखना चाहते हैं, जो बिगिनर आर्टिस्ट हैं, तो हमारा काम है उनको भी सिखाना। तो उनके लिए मैं डिटेल्स वीडियो बनाना प्रेफर करूँगी। अगर वो चाहते हैं किसी डाउट में, वैसे भी ट्यूटोरियल में तो सब कुछ है ही, पर अगर वो फिर भी चाहते हैं कि उनके लिए कुछ अलग वीडियो बने जिसमें उनके सारे डाउट क्लियर हो, तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं डेफिनेटली उस पर अलग वीडियो बनाऊँगी। और बस सपोर्ट कीजिए गाइस, क्योंकि इस वक्त आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब लिटरली गाइस, जो भी यूट्यूब में न्यू है उनको पता ही होगा कि कितना डिफ़िकल्ट होता है यूट्यूब पर सर्वाइव करना। तो आप देखिए वीडियो और कुछ डाउट हो तो बताइएगा। अगर स्केच रिलेटेड कुछ डाउट है तो मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में भी कर देती हूँ। मैं सबसे पहले विदाउट ग्रिड का ही डिटेल्स, आप जो भी आउटलाइन बनाएं वो परफेक्ट होना चाहिए। तो उसके बाद जो अंदर बनाएंगे वो आप बहुत अच्छे से एडजस्ट कर पाते हो, क्योंकि आउटलाइन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्केचिंग्स। सो आउटलाइन बनाने के बाद हम लाइट शेड से ही आउटलाइन बनाएंगे, तो अगर भी गलत होती है तो उसे रब करने के बाद कुछ निशान ना पड़े। कई बार हम हार्ड हैंड से बनाते हैं, तो जो भी आप पेंटिंग बनाओ ना, सबसे पहले बहुत सॉफ्ट हैंड से बनाओ। और मैं अपना आर्ट वर्क की शेडिंग आईब्रोज से स्टार्ट करती हूँ, आईब्रोज से आइज तक, आइज से नोज और फिर लिप्स तक, फिर चेहरे का हाफ वर्क कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद मैं हेयर्स पार्ट में मूव करती हूँ। हेयर्स पार्ट इज़ द वेरी डिफिकल्ट पार्ट, उसमें बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं। उस टेक्निक्स पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, उसका शेड कहाँ से आता है, हेयर का टेक्सचर कहाँ से दे हम, लाइट शेड, डार्क शेड, बहुत ही डिफरेंट वैरायटी होती है यहाँ पे। तो यस, धीरे धीरे करके फिर जो हम मैं क्या करती हूँ कि जो मेरी पेंसिल्स हैं मैं उन्हें स्क्रैच करती हूँ विद द हेल्प ऑफ शार्प ऑब्जेक्ट, और जो उनसे पाउडर फॉर्म निकलता है उन्हें अपने फिंगर्स से ब्लेंड करेंगे, जैसे कि आप देख सकते वीडियो में। तो इससे क्या होता है कि बहुत ही सॉफ्ट टेक्सचर आता है चेहरे पर, कुछ भी ऐसे निशान वगैरह पेंसिल का वर्क नहीं दिखता, बहुत ही रियलिस्टिक लगता है। लाइक कोई नहीं कहेगा ये स्केच किया हुआ है, इतना सॉफ्ट लुक आता है। एक बार ट्राई कीजिएगा, आप पूरी वीडियो देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऑर्डर के लिए शुभ एंड द आर्टिस्ट 24 इंस्टाग्राम आईडी पर DM कीजिए। तब तक के लिए ओके बाय।
उम्मीद है आपने पूरी वीडियो देखी होगी और आपको पसंद आई होगी। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।